आइए दोस्तों, आज हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर हो, तो बांस की लंबाई क्या होगी? इसने क्वेश्चन दिया हुआ था, अब इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये कहा कीचड़ में बांस का भाग, यानी कि बांस का 3/10 भाग कीचड़ में था ना, तो कीचड़ में बांस का भाग कितना है? 3/10 भाग है, तो 3/10 हमने क्या किया है, 10 भाग हमने कीचड़ में बांस का भाग है। फिर हमने कहा पानी में बांस का भाग, पानी में बांस का भाग कितना है? 3/5 भाग है। फिर इसने कहा पानी की सतह के ऊपर कितना है? पानी की सतह के ऊपर है 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर है। अब हमने कहा ठीक है, फिर सपोज हम ये कर रहे हैं कि बांस की लंबाई हम मानते हैं एक्स, बांस की लंबाई इक्वल टू एक्स मीटर, बांस की लंबाई एक्स मीटर हमने सपोज कर लिया है। ठीक है, फिर हम क्या कह रहे हैं, अब कीचड़ में जो बांस है, बांस का भाग, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे उससे बांस की लंबाई पूछी हुई थी, तो हमने कहा बांस की जो लंबाई है एक्स मीटर है। हमने कहा कीचड़ में बांस का भाग कितना था? 3/10 भाग था। तो हम ये कहेंगे जो एक्स का 3/10, यानी कि एक्स का 3/10 का मतलब होगा एक्स मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3/10 से करेंगे, तो कितना होगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 3x हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक होगा, फिर हमने कहा पानी में बांस का भाग बात करते हैं, पानी में बांस का भाग, तो पानी में बांस का भाग, पानी में बांस का भाग कितना होगा आपका, एक्स का 3/ कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो एक्स का 3/5 का मतलब क्या हो गया, इसको आप लिख दोगे एक्स इंटू 3/5, फिर 3 को आप एक्स से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा आपका, 3x/5 हो गया। ठीक है, अब उसने अगर हमने को पता चल गया कीचड़ में बांस का भाग हमने निकाल लिया, फिर हमने पानी में बांस का भाग हमने सॉल्व करके निकाल लिया। अब हमने कहा कीचड़ और पानी में कुल भाग अगर बात करते हैं, कीचड़ और पानी में कुल भाग, यानी कीचड़ में और पानी में, तो कीचड़ में हमारे पास कितना था, 3x/10 हमारे पास आया हुआ था, ये वाला 3x/10 हम लिख लेंगे। फिर पानी में बांस का भाग कितना आया, 3x अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया, 3x/5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 10, 10 आ गया, 3x हो गया, प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास के, 6x हो जाएगा। ठीक है, अब 6 और 3 कितना जोड़ेंगे, 6 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 9x/10 कितना हो जाएगा, 10। ये कौन सा आया है, ये आपका कीचड़ और पानी में कुल भाग आ गया है। ठीक है, फिर अब उसने कहा कि पानी की सतह के ऊपर बांस का जो भाग है 5 मीटर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, जैसा कि आप क्वेश्चन बुक से आप देखते रहिए। तो उसने कहा है ना कि पानी की सतह के ऊपर बांस का भाग 5 मीटर है, तो हम ये कहेंगे जो बांस की लंबाई है, क्या है, बांस की लंबाई में से जो कीचड़ और पानी का जो भाग है ना, कीचड़ और
पानी में कुल भाग, इसको माइनस कर देंगे। तो बांस की लंबाई हमने स्टार्टिंग में ही एक्स मान ली थी, ठीक है, उसमें से कीचड़ और पानी में कुल भाग अभी हमने निकाल लिया टोटल प्लस करके, 9x/10 अभी हमने निकाल लिया सॉल्व करके, ठीक है। तो जब और इसका इक्वल टू आप क्या मानोगे, क्योंकि पानी की सतह ऊपर बांस का भाग कितना है 5 मीटर है, इसको आप इक्वल में 5 मान लेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको क्या करोगे आप, 10x हो जाएगा माइनस का 9x हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इक्वल टू 5। अब आ जाओ आप 10 में से 9 किया कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि x/10 इक्वल टू 5। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप एक्स आ जाएगा, और 10 5 जाएगा कितना हो जाएगा 50। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, जो कि हमारे पास जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आंसर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।